भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया है। 8 नवंबर 1927 को जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी को यह सम्मान 96 वर्ष की आयु में दिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को यह सम्मान दिए जाने के बाद एलके आडवाणी दूसरे भाजपा नेता हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति की वो अजीम शख्सियत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। राजनीति में इनका योगदान सर्वोपरि है। देश की राजनीति में कांग्रेस के सामने बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर की पार्टी बनाने में इनका बड़ा योगदान है। ये कई बार भाजपा के अध्यक्ष पद पर रहे। जनवरी 2008 में एनडीए ने लोकसभा चुनाव को आडवाणी के नेतृत्व में लड़ने और जीत होने पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की थी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया और 2009 के आम चुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत हासिल हुई। हालांकि उस चुनाव में बीजेपी एक मजबूत विपक्षी के तौर पर अपनी जमीन मजबूत करने में कामयाब रही थी। जहां से 2014 के आम चुनाव में पहली बार प्रचंड और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए छलांग लगाई थी। लाल कृष्ण आडवाणी को राजनीति का लौह पुरुष भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने फौलादी इरादों का परिचय देश को कई बार करवाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए इन्होंने जो संघर्ष किए उसका योगदान बीजेपी नेता आज भी उन्हें देते हैं। इन्हें गुजरे दशकों में भारतीय जनता पार्टी का कर्णधार भी कहा गया, जिन्होंने कई बड़े राजनीतिक संकटों से पार्टी को उभारने में कई अहम महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। 25 फरवरी को 1965 में उन्होंने कमला आडवाणी से विवाह किया था। लाहौर में अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। अपनी पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में इनकी रुचि जगने लगी और वे उसमें सक्रिय रहने लगे। साल 1951 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की, तब से लेकर 1957 तक आडवाणी जनसंघ के सचिव रहे। साल 1973 से लेकर 1977 तक आडवाणी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का भी दायित्व निभाया। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 1986 तक लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव पद पर रहे। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई। लाल कृष्ण आडवाणी कुल 3 बार भाजपा के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। आडवाणी 4 बार राज्यसभा जबकि 5 बार लोकसभा के सांसद भी रहे। साल 1977 से लेकर 1979 तक पहली बार केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से लाल कृष्ण आडवाणी ने दायित्व संभाला था। आडवाणी इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे थे। आडवाणी ने अब तक के राजनीतिक जीवन में सत्ता का जो सर्वोच्च पद संभाला है वो है एनडीए शासनकाल के दौरान उप प्रधानमंत्री का पद। लाल कृष्ण आडवाणी साल 1999 में एनडीए की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री बने और फिर इसी सरकार में 29 जून 2002 को उप प्रधानमंत्री का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया था। उम्र के इस पड़ाव में वे अब मीडिया के सामने कम ही आते हैं और अधिकतर समय परिवार के बीच बिताते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।